एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले वाली वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 5.1 और 5.2। तो आप सबसे पहले जाकर देखें एक्सरसाइज 5.1, फिर उसके बाद 5.2। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3 का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमको क्या करना, जो हमारे पास एपीज दी गई है ना, हमको क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है। हमने आपको सम का फॉर्मूला देखो, सब चीज आपको इंट्रोडक्शन में बता दी। देखो सम फाइंड करना है, हमारे पास गिवन क्या है, ये हमारे देखो यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूशन। देखो हमारा सम का फॉर्मूला कैसा होता है, इस तरीके एस एन इज इक्वल टू में क्या होता है, एन अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, टू ए प्लस एन माइनस वन एन टू में डी। एक ये फॉर्मूला होता है, और दूसरा कमाल हमारा कौन होता है, एस एन इज इक्वल टू में क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस एल। ये हमारे दो फॉर्मूले होते हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे कैसे होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं। हम इस फॉर्मूले कब यूज करते हैं, जब हमारे पास लास्ट टर्म डी होती है। अभी हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, तो मतलब ये हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला होगा। तो देखो इसमें हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी यहाँ पे ए, और कॉमन डिफरेंस देखो इसमें कॉमन डिफरेंस की टर्म पता होता है, कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टू माइनस ए वन। तो इसका मतलब होगा हम सेवन माइनस टू, हमारा कितना बचेगा 5। ठीक है, ये हमारा क्या निकल आया, डिफरेंस निकल आया। अब उसके बाद हमको पड़ती है n की जरूरत। तो हमारा n क्या हो जाएगा, देखो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10। हमारे पास 10 टर्म्स है, इनका सम फाइंड करना है, इसीलिए हमारी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी। ठीक है, इतना है समझ में। अब बच्चों देखना आगे, देखा एस कितने टर्म का, एन की जगह नंबर ऑफ टर्म कितने टर्म का सम फाइंड करने, 10 टर्म का। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 10 अपॉन में 2, और यहाँ पे देखो 2 को एज इट इज लिखा, इन टू ए, ए की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए की जगह लिखेंगे 2। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे n, यहाँ पे क्या होगा, n की जगह क्या लिखेंगे, 10, n की वैल्यू हमारी 10 माइनस 1, इन टू में क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है 5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस में हम लिख देंगे 5। देखो इसको इससे कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 5, ये बचेगा 5, और 2 इंटू 2 हमारा कितना होता है 4 प्लस। ठीक है, इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे कहते हैं 9 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 5 4 प्लस, और इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। ठीक है, 45 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे करेंगे 5 इंटू इसको 5 प्लस 4 प्लस 45, तो हमारा कितना होगा 49। और 49 का इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, तो यहाँ पे अगेन 5 देखो 5, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 5 जो 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे लगेंगे सो द सम ऑफ 10 टर्म्स, हमारी 10 टर्म का सम कितना हो जाएगा एज 245। तो ये हो जाएगा हमारा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1। क्या आपको बोर्ड पे दिख रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे आगे, अब देखना ये, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, देखो इसमें भी ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो हमारा सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू में क्या होता है, एन अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, टू ए प्लस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे भी एन माइनस वन ऑन टू में डी, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमारा, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारी ए की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे ए की वैल्यू लिखना है, ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 37। ठीक है, ए की वैल्यू 37 आएगी। अब हमारा डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस क्या होता है, ए टू माइनस ए वन। तो हमारा ए टू क्या होगा, ए टू हमारा देखो ये ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, और ए को ही क्या बोलते हैं, हम ए वन बोलते हैं। ठीक है, ये सब आपको बता चुके हैं हम एक्सरसाइज 2.1 में और 2.2 में। ठीक है, अब डिफरेंस भी ये सब निकालना बता चुके हैं, ये किसमें होता है, हमारा यहाँ पे ए टू क्या हो जाएगा माइनस 33। ये माइनस 33 क्या है, माइनस 33 है, माइनस 33। अब ये माइनस साइन हमने यहाँ का ये एज इट इज लगाया, अब ये माइनस, ये हमारा क्या है, a1 है, तो a1 कितना हो जाएगा माइनस 37। ठीक है, माइनस 37 हो जाएगी माइनस 33, और ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, और ये प्लस कितना हो जाएगा हमारा 37 हुआ। देखो अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 4 कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 4 बचेगा। हमारा डिफरेंस कितना आ रहा, पॉजिटिव का 4 आ रहा। अब देखो हमारी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर टर्म कितनी, 12 टर्म का सम फाइंड करना है, कितनी टर्म का सम फाइंड करना है, 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो एस
एन, देखो ये हमारा फॉर्मूला खाता, मैं ये रखा था, तो कितने टर्म का 12 टर्म को फाइंड करना, तो हम लिख सकते हैं एस 12, ठीक है। अब यहाँ पे एन की वैल्यू भी लेगा, क्या लिखेंगे 12, अपन में क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 ए, ए हमारा कितना दिया है 4, तो मैं यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 1, एन, एन की वैल्यू कितनी दी हमारे पास, एन, एन हमारे पास कितना दिया है 12 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी, डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, एक मिनट, हमारा देखो ए, ए हमारा कितना दिया है जी, देखो ए हमारा माइनस 37 है, यहाँ पे कितना माइनस 37 है, ए ये माइनस 37 है, ये हमारा डिफरेंस लिख दिया था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4, डिफरेंस हमारा कितना है 4, ए की वैल्यू थी हमारी माइनस 37, ठीक है। अब देखो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे बचा हमारा 6 बचेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो हमारी वैल्यू कैसी आएगी माइनस की, तो फिर 2 के अंदर 7 करेंगे तो कितना 41, और इसके साथ इंटू किया तो कितना आएगा 74 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी प्लस, अब इसके साथ इसका इंटू करेंगे तो हमारा क्या 11 × 40 कितना बचेगा 11 × 4 हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं 70 से, अब देखो इसमें से 11 × 44 करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 70, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा माइनस का 74, और यहाँ पे प्लस, और इसके साथ किया तो हमारा कितना बचा 44 बचेगा हमारा। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हमने किया, अब देखो 6 × 6 × अब इन दोनों को माइनस किया तो हमारा कितना बच रहा है माइनस का 30 बचेगा, क्योंकि देखो इसमें से किया तो हमारा कितना बच रहा है 30 बच रहा है। अब देखो अब 30 का इसके साथ करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है माइनस का 80, तो हमारी जो टर्म का सम आ रहा है, क्योंकि देखो नेगेटिव में जा रही है पूरी सब, तो पूरी नेगेटिव टर्म का हमारा सम कितना है माइनस 180, तो हम सीधे लिख देंगे सो द सम ऑफ 12 टर्म्स, हमारी 12 टर्म्स का सम कितना आ रहा है इज माइनस 180, हमारी सारी टर्म्स का सम कितना आ रहा है माइनस 180 आ रहा है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट खत्म होता है, तो अब हम करेंगे थर्ड और फोर्थ। तो देखो अब हम करेंगे इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हमारी फर्स्ट टर्म क्या होती है, हमारी फर्स्ट टर्म लिखो सबसे पहले, तो हमारी फर्स्ट टर्म होती है 0.6 होगी, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी है हमारे पास 100 दी है टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म ये दी, और उसके बाद होना चाहिए हमारा डिफरेंस, डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम a2 - a1, ठीक है। अब ए टू हमारा कितना दिया, जरूरी नहीं ए टू माइनस ए वन, आप ए थ्री माइनस ए टू भी ले सकते हो, 17 a2 होगा, माइनस कितना करेंगे 0.6, अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 1.1, डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, हमारा डिफरेंस आ रहा है 1.1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद आपको किसकी वैल्यू पता होना चाहिए, एन की। अब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी दी गई है, नंबर ऑफ टर्म्स दी गई है हमारे पास 100, ठीक है, इतना समझ में आया। अब सम, तो एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये हमारा किसका होता है, सम का फॉर्मूला होता है। बस अब इसी फॉर्मूले में पुट करना है, आपको ये चीजें तीन चीज पता है हमारे पास में, टोटल 4 है, यदि 4 में से कोई सी भी तीन चीज पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, सम का फॉर्मूला, सम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो sn, sn कौन सी n की वैल्यू निकालना है, 100 टर्म की, अब 100 टर्म का सम निकालेंगे, ठीक है, n, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारी 100, 2 इंटू ए, ए हमारी कितनी दी है 0.6, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 0.6 प्लस n, n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 डिफरेंस हमारा आ रहा है 1.1, ठीक है। अब इसको इसमें से हमने डायरेक्ट कैंसिल किया तो हमारा कितना बचा 50, देखो 50 बचा। अब देखना आगे, अब इसके साथ इंटू किया तो हमारा कितना आ रहा है 2.1, किसके साथ 2 × 6 = 12, एक बीच में पॉइंट, एक पॉइंट, तो हमने एक भी नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, प्लस 99 × 99 में क्या हो जाएगा 1.1, ठीक है, 99 × 1.1। अब देखो और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 5 ब्रैकेट के अंदर, आप पहले तो इसको इंटू करेंगे 1.2 प्लस, अब इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना होगा, देखो इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो इसका एक तरीका भी होता है करने का, पहले टर्म को हम एज इट इज लिख देते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इसको इसके साथ प्लस करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर हमारे पास पावर कितनी बचेगी 1 18, उसके बाद हमारा देखो 18 हो रहा है, आगे पावर प्लस करेंगे तो हमारा कितना 1 0 10, इस तरीके से भी कर सकते हो, हमारा पॉइंट क्या था 1 0, देखो आपको विश्वास नहीं होगा सेम आंसर आएगा, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये देखो सेम आएगा 9 8 10, देखो ये सेम आ रहा है, देखो किया, पहली टर्म को हम एज इट इज लिखते हैं, फिर पहली टर्म को इसके साथ प्लस करते हैं तो हमारा कितना आ रहा था 18, हमारी इतनी पावर 1, अब ये लास्ट टर्म बचती है ना उसको एज इट इज लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे बना रही थी हमने क्या लिख दिया था 10, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं दोनों को
इंटू कर सकते हैं 11 की। ये क्या होती है, 11 इंटू करने की एक ट्रिक होती है, ठीक है। अब लेंगे 15। अब देखो इन दोनों को आपस में ऐड करना है। यदि हमने 1.2 ऐड किया, 9 है, 10, 11, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 1 पॉइंट। यहाँ पे देखो 1 आएगा तो 8, 9, 10, 0, फिर कितना बचेगा 1, 1। ये इसी के साथ अब देखो, अब यहाँ पे आप देखना एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट के बाद है, ठीक है। तो अब ये देखो हमारा मल्टीप्लाई में, अब ये पूरी क्वेश्चन यहाँ से ये हटा दें तो एक तरीके से कैसे हुई मल्टीप्लाई में। अब ये पॉइंट को हम यहाँ से हटा दें और नीचे 10 आ जाएगा, तो ये 10 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी बचेगी। अब इसका 5 इंटू करेंगे, 5, 0, 5, 5, ये वैल्यू हमारे पास बचेगी। इनका सम, इनका सम कितना आ रहा है, 5,505 आ रहा है। सो यहाँ पे लिखें, सो द सम ऑफ 100 टर्म इज 5,505, ठीक है, इतना है समझे। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट जो कि हमारा कौन सा है, फोर्थ, ठीक है। अब हम फोर्थ करते हैं, देखो फोर्थ में भी सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपको लिखना है आपकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी, 1/1 में क्या आएगी 15, ठीक है। उसके बाद हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या होता है a2 - a1, तो हमारा a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा हमारा 12, उसके बाद हो जाएगा माइनस, उसके बाद a1 हमारा क्या हो जाएगा 15, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 15 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 15, 12 का इसके साथ किया 12, अपन में क्या आएगा 12 इंटू, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख दिया यहाँ पे, इस तरीके से लिख सकते हैं 12 इंटू 15, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, हमने ऊपर आपस में माइनस कर दिया, इसको इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आया 3/15, 3/15 बचे। अब देखो ये 3 इससे कैंसिल हो गया, 3, 4, 12, अब यहाँ पे सीधा इंटू कर सकते हैं, तो डिफरेंस हमारा कितना है 1/16, मतलब हमारा जो डिफरेंस आ रहा है ना, तो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है 1/16, तो हम यहाँ पे लिख दिए डिफरेंस की क्या लिख दी 1/16, ठीक है। ये डिफरेंस आ गया हमारा, ठीक है, ये डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है 1/16, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो कितना टाइम लगता है, इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को आपस में माइनस किया और सीधा इससे कैंसिल कर दिया, सिंपल रहा, ठीक है। अब उसके बाद निकालती है हमारी एन की वैल्यू क्या होती है, अब आप बताओ हमारी एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू कितनी टर्म का सम पूछा है 11, तो एन नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। अब सिंपल हमारा सम का फॉर्मूला क्या था, एस एन इज इक्वल टू में क्या होता है, एन अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब ध्यान से देखना, ये एस एन कितने टर्म का 11, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे क्या एन, और एन नंबर टर्म कितनी हमारी 11/2, अब 2 इंटू ए हमारी कितनी 1/15, हमने लिखा 1/15 प्लस एन माइनस मतलब 11 - 1, डिफरेंस कितना रहा 1/16, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आप ध्यान से 1/11, अब देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा हमारा 2/15 प्लस, यहाँ पे बचे इसको माइनस किया 10/1/16, तो 10 से 10 कैंसिल। अब यहाँ पे बचा हमारा 1/6 और यहाँ पे बचा हमारा 2/11, देखो और सिंपली, अब यहाँ पे तो हमारा बचेगा क्या, ये इस तरीके से बचेगा, देखो 2/15 प्लस 1/, ये इस तरीके से बचा, ठीक है। अब देखना आप, अब हमने इसको 1/2 एज इट इज लिखा, ये इतना बचा था हमारा, ये अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 12, हम लिखिए 12 प्लस इसका इसके साथ किया तो क्या हो गया 15, ये हमारा 5 है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, और इसका इसके साथ इंटू किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 90, ठीक है। ये तो आपने सब पढ़ रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम ले लीजिएगा इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और नीचे आपस में दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/11 को एज इट इज लिखा, 1/2 को एज इट इज लिखा इंटू, इसको इन दोनों को ऐड करना आपकी बात, 5, 6, 7, 27 में क्या होगा हमारा 90, 27/90 हो रहा है, तो अभी कैंसिल हो सकता है किसी से, हाँ 3 से हो सकता है, क्योंकि 3 ऊपर 27 3 के टेबल में आता है, कितने टाइम में आता है 9 टाइम में, तो 9 टाइम में आता 9 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना रहेगा हमारा 30 हो जाएगा, ये क्रॉस करने के बाद आया, ठीक है। अब इसको अगेन कैंसिल कर देंगे हम, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 से करेंगे 3 और नीचे कितना बचेगा हमारा 15, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 33/1 में हो जाएगा हमारा 30, क्या ये अगेन 3 से हो जा सकता है, एक मिनट यहाँ पे 10 बचता, सॉरी यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 10 बचेगा, 33/20 ये हो जाएगा हमारा आंसर, कितना हो जाएगा 33/20, तो यहाँ पे लिख देंगे सो द सम ऑफ
11 टर्म्स इज 33 अपॉन में 20। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू। देखो क्वेश्चन नंबर टू में कह दिया फाइंड द सम गिवन बिलो। अब हमको क्या करना है, इनका सम फाइंड करना। पिछली बार भी हमने सम फाइंड किया, लेकिन हमारे पास पिछली बार लास्ट टर्म गिवन थी। अब की बार हमारे पास पूरी सीरीज एपीस गिवन है और एपीस की लास्ट टर्म गिवन है। तो टर्म गिवन थी कौन सी थी, टर्म गिवन थी मतलब एन की वैल्यू गिवन थी। इस बार हमारे पास एन की वैल्यू गिवन नहीं है पूरी तरीके से, ए एन ये पूरी टर्म की वैल्यू गिवन है। पिछली बार हमारे पास एन की वैल्यू गिवन थी, उसमें टोटल 11 टर्म्स थी, इसलिए हमारे पास लास्ट टर्म। तो सबसे पहले आपको देखो एन की वैल्यू पता होना चाहिए। एन की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो, मतलब यदि हमने देखो टर्म हमें पूरी सारी टर्म्स का सम फाइंड करना है। यदि हमने इसकी लास्ट टर्म फाइंड कर ली, इसकी लास्ट टर्म फाइंड कर ली, इसका मतलब हम सारी टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हमको क्या पड़ता है, एन ए डी और एस एन, इन चार चीजों की जरूरत पड़ती है। हमारे पास अभी डी मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ए और डी मिल जाएगा। एन की जरूर एन की वैल्यू किसकी मदद से कर सकते हैं, इसकी वजह से फाइंड कर ली, फिर सम फाइंड कर सकते हैं एमएसएन की वैल्यू। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी 7। और देखो पहले ये हमारी ये ए फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म को हम थोड़ा प्रॉपर करने के लिए क्या करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी क्या 21 अपॉन में 2 ये हो जाएगी। ये तो मिक्स फ्रैक्शन से हमने क्या कर दिया, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब डिफरेंस, डिफरेंस किस तरीके से फाइंड करते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं, ठीक है। a2 हमारे पास कितना दिया है 21 अपॉन में 2 और ये a1 कितना दिया 7, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं 21 माइनस में अपॉन 2 ये हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं था तो मतलब बन था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसके साथ इसका इसके साथ अपॉन में 2, तो हमारे कितना आ जाएगा ओवरऑल बचा 7 अपॉन में 2। ये हमारा डिफरेंस निकल आया 7 अपॉन में 2। अब हम क्या निकालते हैं an का फॉर्मूला का, an इज इक्वल टू में क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इनटू में d, ठीक है, n टर्म। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन इस लास्ट टर्म हमारे पास केवल है 84 इज इक्वल टू में क्या हो रहा है, अब 84 की हमको n की वैल्यू यहीं की पता चलेगी, ये हमारी कौन सी वैल्यू होगी, n की वैल्यू निकल आएगी, तो मतलब इस टर्म की पोजीशन निकल आएगी, इस टर्म की पोजीशन निकल आएगी। तो हम क्या करते हैं, सारी टर्म्स का सम फाइंड करते हैं, क्योंकि हमको पता है नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितनी है, तो जितनी हमारे पास सारी टर्म्स होगी तो उनका पूरा सम निकल आएगा। तो ए ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 प्लस एन, एन कितना हो जाएगा फाइंड करना है, माइनस 1, डिफरेंस हमारे पास कितना दिया है, डिफरेंस आ रहा है हमारा 7 अपॉन में 2, और यहाँ पे लिख सकते हैं 84 इज इक्वल टू में 7 प्लस एन की वैल्यू। अब यहाँ पे एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी, तो पहले आपको देखो इसको साइड ले जाएंगे, अब हम 7 को क्या करते हैं, 7 को साइड ले जाएंगे, इज इक्वल टू में क्या बचेगा हमारे पास, एन माइनस 1 7 अपॉन में 2, इस तरीके से बचेगा। अब क्या करेंगे इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो हमारा कितना बचेगा 77 बचेगा। अब 77 बचेगा इज इक्वल टू में क्या बचेगा, देखो 77 बचा, अब इसको साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे, इंटू में होगा तो डिवाइड में, तो मतलब 2 पर पहुंच जाएगा, 7 नीचे जाएगा, इधर क्या बचेगा एन माइनस 1, अब ये इससे कैंसिल होगा 11 बचा, अब यहाँ पर 22 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो हमारा कितना आएगा 23 इज इक्वल टू एन, ठीक है, 23 इज इक्वल टू एन आता है, 23 इज इक्वल टू एन, ठीक है। ये आ गई हमारी एन की वैल्यू, मतलब ये 23 नंबर की आ गई, अब हमारी एन की वैल्यू मिल गई। तो अब क्या कर सकते हैं, हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू में क्या होता है, एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इनटू में डी, ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है। अब आप बताओ एस एन को हमने एस एन कौन सी कितनी टर्म का सम निकालना है, 23, लास्ट टर्म हमारी यहाँ पर की थी 23 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं 23 अपॉन माई 2 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 2a, a की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी इंटू 7 प्लस n, n की वैल्यू कितनी आई 23 माइनस 1, अभी निकाली ये n की वैल्यू 23, और डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 7 अपॉन 2, यहाँ पे लिख देंगे 7 अपॉन में 2, तो 23 अपॉन माई 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 14 प्लस, अब इसके साथ इंटू करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 22 7 अपॉन में 22 इंटू 7 अपॉन 2, इसके साथ यहाँ से कैंसिल किया तो हमारे पास कितना बचा 11, यहाँ पे क्या बचेगा 23 अपॉन में 2, यहाँ पे इसका 14 प्लस इसका इसके साथ प्लस करेंगे तो कितना आएगा 77, यहाँ पे लिखेंगे 23, अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 91 क्यों, देखो 7 का ऐड किया तो हमारा देखो 7 के साथ प्लस किया 7 8
सेवन के देखो सेवन से हमने इसको प्लस किया तो हमारे कितना आ रहा था इलेवन, कितना आ रहा है हमारा इलेवन, और इलेवन इलेवन और यहाँ पे पावर आएगी एट और ये नाइन, तो 91 अपॉन में टू। तो देखो अब इसका इसके साथ मल्टी करेंगे किसका, हम क्या करेंगे यहाँ पर 91 इंटू में 23 का करेंगे, तो 3 के साथ करेंगे 3, 3 का इसके साथ ये यहाँ पर 27 होगा, कितना होगा हमारा 27, और फिर अगेन फिर 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 2, फिर हमारा होगा 18, 3, 7 के साथ 8, 9 और 0, 2, तो हमारे कहते हैं 2093 अपॉन में जाएगा 2। सो हमारा यही क्या हो जाएगा हमारा सम, सो यहाँ पर लगे सो द सम ऑफ, सम ऑफ कितनी टर्म थी 23 टर्म इज 2093 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ अपॉन में 2 हो जाएगा, या तो आप इसे और तरीके से आप क्या कर सकते हो यहाँ से और मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे 2 है यहाँ पे पहले बंद करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ये 0 को डायरेक्ट नहीं ला सकते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0, फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर ठीक है 9 यहाँ पे कितने टाइम चलाएगा 4, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 8, यहाँ पे क्या जाएगा 1 और 3, देखो ये 1 बचा था 3 तो यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कितना बचेगा 12 और यहाँ पे बचेगा हमारा 1। अब देखो इसे फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करते, ये जो नीचे रहती ना वो ऊपर पहुंच जाती है वैल्यू सबसे ऊपर, ठीक है ये किस सकते नीचे जाएगी 2 हो जाएगा और ये किधर आ जाएगी, तो ये भी हम इस तरीके से इसका भी आंसर लिख सकते हैं क्या 1046 1 अपॉन में 2। तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, इसमें टोटल थर्ड पार्ट है, तो देखो अब हम करते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में भी सबसे पहले देखो इसमें भी हमारे पास सम दिया गया है, हमको सम फाइंड करना है लेकिन हमारे पास लास्ट टर्म पहले तो हमें एन की वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ए एन ये कौन सी वैल्यू पता है पता नहीं हमारी ये कौन सी टर्म है इसलिए एन की वैल्यू पता होना चाहिए, यदि हमारी लास्ट टर्म पता चल जाएगी तो उन सारे टर्म से उसका मतलब क्या होगा हम सब सारे टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे ए, ए की वैल्यू कितनी आएगी 34 और डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा ए टू कितनी है 32 माइनस 34, डिफरेंस हमारा आ रहा है माइनस 2 का, मतलब देखो समय से दो दो कम होते जा रहे हैं, ठीक है डिफरेंस हमारा 2 निकल आया है और हमें एन की वैल्यू फाइंड करना है, और ए एन हमारे पास कितनी दी है जो हमारे पास ए एन है ना वो कितनी दी हमारे पास ए एन की वैल्यू दी है 10, तो हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं a n इज इक्वल टू में क्या होगा a प्लस एन माइनस वन इन टू में d, a n हमारे पास कितना 10 इज इक्वल टू में क्या आएगा 34 प्लस n की वैल्यू कितनी रहेगी नंबर ऑफ टर्म्स हमारी n की वैल्यू फाइंड करने माइनस वन डिफरेंस कितना आ रहा है माइनस टू, ठीक है अब इसको साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर 10 माइनस 32 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख सकते हैं एन माइनस वन अपॉन इन टू में माइनस टू, और इसका इसके साथ माइनस करेंगे तो क्या चलेगा माइनस 22 माइनस 24 माइनस 24 ये 2 को नीचे लगाएंगे तो माइनस 2 इज इक्वल टू में क्या हो गया एन माइनस 1, तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल करेंगे, ठीक है तो यहाँ पे ये इसको कैंसिल किया तो हमारे पास कितना बचा 12, तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 ये माइनस करता जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू में 3, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13, तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही 30, देखो हमारी नंबर ऑफ टर्म 30 आ गई, कितनी आ रही 30 आ गई नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 30 आ गई, तो हम सम फाइंड कर सकते हैं, सम का फॉर्मूला क्या होता है एस एन इज इक्वल टू में क्या होता है एन अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इन टू में डी, ये हो जाएगा हमारा। अब एस एन कौन सी टर्म कितनी टर्म का लेवल फाइंड करना 13 का, तो 13 इज इक्वल टू में क्या आएगी 13 अपॉन में 2 a, a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारी a की वैल्यू हो जाएगी 34 प्लस n, n कितनी नंबर टर्म कितनी हमारे पे 13 माइनस 1 डिफरेंस हमारा कितना आया था माइनस 2, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस 2, ठीक है यहाँ पे लिखेंगे 13 अपॉन 2 को एज इट इज लिखा, अब देखो 2 का इसके साथ करेंगे तो 86 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे कहते हैं 12 माइनस 2, ठीक है अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारा 13 अपॉन में 2 यहाँ पे क्या होगा 68, अब इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस 24 हो जाएगा, 12 के साथ इसके साथ इंटू किया माइनस का 2 था इसलिए यहाँ पे क्या होगा हमारा माइनस का 24, यहाँ पे लिख सकते हैं 32 इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 40 और इसको इसमें से माइनस करेंगे 44 हमारा कितना आ रहा है 44 आ रहा है वो भी पॉजिटिव का, और ये 2 से ये कैंसिल हो सकता है यहाँ पे बचेगा 22, आप देखो 13 का इसके साथ मल्टीप्लाई करके 22 इंटू 30 तो पहले 32 या 26 यहाँ पे अगेन तो कहते हैं 282 कितना आ रहा है 286 आ रहा है कितना आ रहा है 286 सम आ रहा है ये कह रहा है सम आ रहा है 13 टाइम का, सो द सम ऑफ 13 टर्म इज कितना आ रहा है 286। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर
सेकंड खत्म होता है सेकंड पार्ट का, तो अब हम करते हैं सेकंड का थर्ड पार्ट। तो इसको सबसे पहले रफ करते हैं। तो देखो अब हम करेंगे इसका थर्ड वाला, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा तो इसमें फर्स्ट टर्म, देखो हमें भी इसमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो मतलब कि हमें एन की ए एन ली, हमारे पास ए एन दी है, तो हमारे पास एंथ टर्म कितनी दी है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास फाइंड करना है। एन टर्म कितनी दी है, टर्म्स हमारे पास टर्म्स कितनी दी है, मतलब टोटल टर्म्स, लास्ट टर्म सही है, हमारी लास्ट टर्म है ये, क्या हमारी ए एन का मतलब होता है हमारी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितनी है, माइनस 230 दी है। और हमारी तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी माइनस 5, और डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा हमारा ए टू माइनस ए वन। तो हमारा ए टू कितना हो जाएगा, देखो ए टू ये है माइनस 8, ये प्लस का साइन माइनस 5, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस 8 ए, एक मिनट यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू माइनस 8, और यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे तो प्लस 5, तो इसको करेंगे तो हमारा कितना बचेगा माइनस का 3। डिफरेंस हमारा कितना आ गया, देखो कॉमन डिफरेंस हमारा माइनस 3 आ गया। हमारे पास एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जिससे हम उसके बाद सम बता देंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू में क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इनटू में डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, माइनस 230, कितना होता है 2 माइनस 230, कितना होता है, कितना होता है 230, ये हमारी लास्ट टर्म है। ए ए हमारी कितनी दी है माइनस 5, प्लस एन की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास फाइंड करनी है माइनस 1, डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है माइनस 3, ठीक है। अब ये माइनस 5 को साइड ले जाएंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, ये इस तरीके से हमारा कैसा आ गया, प्लस का 5 इज इक्वल टू में क्या हो गया एन माइनस 1 और ये माइनस 3, ठीक है। अब इसमें से माइनस किया तो हमारे पास क्या था 225 अपॉन में ये माइनस 3 नीचे जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू में क्या बचेगा एन माइनस 1, ये इनटू में था इसलिए आ रहा है, प्लस माइनस में होता तो नहीं, ये क्या थे माइनस में थी, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल, क्या ये 3 से कैंसिल हो सकते हैं, देखो पहले सबको प्लस देखते हैं, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9 आ सकते हैं 3 की तरफ, तो मतलब कैंसिल हो जाएगा 3 7 या 21, 21 यहां बचा 5, 3 5 जा 15, तो हमारी एन की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी यहां से एन की वैल्यू आ रही 75 इज इक्वल टू में एन माइनस 1, तो यहां पे एन की वैल्यू प्लस करेंगे 75 प्लस 1 तो हमारी कितनी हो जाएगी 76। ये इसको देखो n की वैल्यू साइड आएंगे तो कितना आएगी पॉजिटिव 1, तो यहाँ पे कितनी रहेगी n की वैल्यू रहेगी हमारी 76n, कितनी हो जाएगी, क्या आपको बोर्ड में दिख रहा है, हाँ कितनी हो जाएगी हमारी n की वैल्यू रहेगी 76n, ठीक है। अब n की वैल्यू, अब इसका मतलब हम सम निकालते हैं, एस एन इज इक्वल टू में क्या होता है n अपॉन 2, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इनटू में हो जाएगा हमारा डिफरेंस। तो सम नंबर सम का हमारा सम कितना दिया, कितना 76, हमें 76 टर्म का सम निकालना, तो यहाँ पे लेकिन 76 अपॉन में 2 2 इंटू ए, ए की वैल्यू हमारी कितनी आएगी माइनस 5, प्लस एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी है 76 माइनस 1, डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, हमारा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे माइनस 3, यहाँ पे लिख दिया हमने माइनस 3, ठीक है। अब देखो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 3, और यहाँ पे 38, 2 से किया 38, अब यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 10 प्लस, अब ये देखो यहाँ पे इसके साथ ये 75 इंटू माइनस 3, अब यहाँ पे आगे देखेंगे 38, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 10 को हमने एज इट इज लिखा प्लस, अब 3 का देखो ये माइनस का 3 है और इसके साथ इंटू करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो माइनस साइन लगा देंगे, ये इस तरीके से माइनस साइन लगाएगा, अब माइनस, अब इसका 3 का इंटू 3 5 या 15, यहाँ पे लगेगी पावर 1, 3 7 या 21 तो 22, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, कहेंगे 38 को एज इट इज लगेंगे, देखो इसमें से इसको करेंगे तो हमारे यहाँ पे देखो इसको ये माइनस 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 साइन दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, तो कितना 239, ठीक है, और 239 हो जाएगा माइनस 239 इंटू 8, जब आप माइनस 239 इंटू 8 करेंगे तो हमारा कैसा आएगा 85 या 40, फिर अगेन करेंगे 83 या 24, तो 24 यहाँ पे कितना बचेगा 282, यहाँ पे 82 या 16 18, ठीक है, फिर अगेन 3 से करेंगे 3 5 जा 15, 1 3 3 या 9 10, यहाँ पे 1 3 2 या 6 1 7, तो हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पे 8 3, यहाँ पे 9 और 8, ये वो भी किसका आ रहा है माइनस का, क्यों आ रहा है ये माइनस यहाँ पे साथ, यहाँ पे लगे सो द सम ऑफ कितनी टर्म का 76 टर्म इज माइनस 8930, ठीक है। इसके साथ हमारा थर्ड पार्ट भी खत्म होता है, तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें टोटल 3 पार्ट्स थे, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हमको क्या करना है, एन एंड एपी, हमारे पास एपी दी गई है, हमारे पास मतलब कुछ टर्म्स दी गई है, तो
तो इनकी हमको फाइंड करना है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, तो हम दो दो करके सबको सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमको क्या दिया है, गिवन हमारे पास a is equal to 5, d is equal to 3 एंड an मतलब हमारे पास लास्ट टर्म कितनी दी गई है 50। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इसी की n की वैल्यू और मतलब इसी का सम फाइंड करना है। मतलब पहले n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मतलब sn मतलब सम ऑफ लास्ट टर्म। sn का मतलब क्या होता है, हमारी सम ऑफ लास्ट टर्म, हमारा सम फाइंड करना पूरी लास्ट टर्म का। तो उसके लिए हमें एन की वैल्यू क्या पता होना चाहिए कि हमारी एन की वैल्यू कितनी हुई। तो सबसे पहले हम एन की वैल्यू करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है लास्ट टर्म का, ए एन इज इक्वल टू में क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। तो ए एन, ए एन हमारे पास कितना दिया है यहाँ पे 50 दिया गया है, ए ए हमारे पास कितना दिया है 5 एन माइनस वन और डिफरेंस हमारे पास कितना दिया है 3। तो यहाँ पे इसको देखो, इसको साइड लाएंगे 50 माइनस 5 इज इक्वल टू में क्या होगा एन माइनस वन और ये हमारा 3 एज इट इज बनेगा। इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 53। यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे क्या बचेगा एन माइनस वन। ठीक है, अब ये 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 5 या 3 3 5 या 15, तो क्या लगा 15। ये 1 को साइड लाएंगे तो प्लस का 1 इज इक्वल टू में हमारी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो हमारी एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 16 आ गई। एन की वैल्यू हमारी कितनी आई, अब यहाँ पे हमने एन की वैल्यू 16 निकाली और तो एस एन की वैल्यू कितनी जाएगी। तो सम का आप देखो, अब यहाँ पे क्या करते हैं, सम का फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इज इक्वल टू में क्या था एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन एन टू डी। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा होता है सम का फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला था सम का। देखो इसके बाद यहाँ फाइन कराए, अब देखो सम का फॉर्मूला, तो एस एन, एन की टर्म हमारी 16, तो हम लिख सकते हैं एस 16 इज इक्वल टू में क्या था एन की वैल्यू, यहाँ पे कितने लिख सकते हैं एन की वैल्यू लिख सकते हैं 16 अपॉन में टू ए। ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ये देखो हमारा ए 5 प्लस एन, एन तो अब देखो हमारे पास फाइंड कर दी एन माइनस वन इन टू डी। ठीक है, डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था हमारा 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। इससे इसको कैंसिल किया तो हमारा कितना बचेगा 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पे 15 इन टू 3 और यहाँ पे लिखे 8 10 प्लस 15 45 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे कितना बचेंगे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 55। ठीक है, अब 8 इंट 8 का इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे कहते 01। देखो अगेन करेंगे तो 8 5 या 40 और यहाँ पे कितना आएगा 41। तो हमारा सम कितना आ रहा है, एस एन की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ रही 410 हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे 4 होगा क्यों, देखो 4 5 यहाँ पे कितना आ रहा 40, तो पावर हमारे पास 4 आएगी फिर 40, तो फिर कितना होगा 44 होगा। सम कितना हो जाएगा हमारा 440 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी के बाद यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड वाले यहाँ पे भी हम सॉल्यूशन लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो हमको फाइंड क्या करना है, हमको क्या डिफरेंस फाइंड करना है और एस 13 की वैल्यू फाइंड करना है। एस 13 मतलब 13 टर्म का सम फाइंड करना, एस एन मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमारे थे तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए 13 एन के, तो 13 टर्म का सम फाइंड करना है। उसके लिए देखो 13 टर्म का हमारे सम फाइंड करना, तो उसका मतलब हमारे पास एन की वैल्यू गिवन हुई, ए की वैल्यू फाइंड करना है और डी की वैल्यू फाइंड करना है। तो इससे क्या निकाल सकते हैं, हम सम का फॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो गिवन है ना उन्हीं में सम को वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एस एन देखो हमारे पास ए 13 गिवन है, कितना गिवन है 355। तो देखो इसको हमने टोटली, इसको इसका जनरल फॉर्मूला ए प्लस 20 इज इक्वल टू में क्या लग सकते हैं 35, या तो आप ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन इन टू में डी, यही फॉर्मूले का यूज किया हमने। यहाँ पे क्या कर दिया 13 पुट कर दिया, 13 पुट किया तो यहाँ पे कितना बचा 12 और इन टू डी, तो कितना हुआ 12 डी। ठीक है, इतना समझ नहीं आया, अब देखो आगे, अब यहाँ पे हमने करेंगे a, a की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू भी रख देते हैं, a प्लस 12d इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 35। ये देखो a की वैल्यू गिवन थी, हमने 12d को एज इट इज लगा, ये 7 को एज इट इज लगाए 7, तो देखो यहाँ पे 12d एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 28, तो हमारी d की वैल्यू कितनी आएगी, d की वैल्यू आएगी 28 अपॉन में 12। अब ये किससे कैंसिल हो सकता है, हम इसे करते हैं 3 से कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता है, एक मिनट। ठीक है, अब तो हम 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल किया तो यहाँ पे कितना बचेगा 6 और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 14, अगेन 2 से किया तो हमारा कहते हैं 7 अपॉन में 3, तो हमारा कितना आ जाएगा डिफरेंस आ गया हमारा 7 अपॉन, डी की वैल्यू कितनी आ गई 7 अपॉन में 3 आ गई। अब डिफरेंस निकाला गया, अब उसी तरीके से एस एन फाइंड करते हैं, एस एन क्या होता है, क्या होता है एन अपॉन टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इन टू में डी। तो sn सम, sn कितने कितनी टर्म का सम फाइंड करना 13 टर्म का, देखो 13 टर्म का सम फाइंड करें प्लस, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या लगेगी 13 अपॉन में 2 a हमारा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा 7 प्लस n, n हमारा कितना 12 माइनस,
एन कितना रहेगा हमारा 13, यहाँ पे लिखेंगे 13 माइनस डिफरेंस, डिफरेंस हमारा कितना 7/3, डिफरेंस हमारा कितना हो रहा है 7/3, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना हो जाएगा हमारा 13/2, इन दोनों कंटू किया तो 14+2, इसका माइनस किया 12/7/3 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा, 12 × 4 = 12, और यहाँ पे ठीक है अब यहाँ पे लिखेंगे 13/2, तो यहाँ पे किस तरीके से 14+, ठीक है अब इसका इसके साथ करेंगे साथियों को 28 कितना आ जाएगा हमारा 28 आ जाएगा, ठीक है अब यहाँ पे लिखेंगे, अब देखो इसका इसके साथ पहले तो ऐड कर लेंगे हम इन सबको, 4 + 8 = 12, 12 + 2 = 1, कितना 3, 4, 42, अब 42 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे कितना आएगा 21, अब 21 × 31 कर देंगे, 21 × 31 तो 31 बन जाए 31, यहाँ पे 1, 32 तो यार 26 में 1+ कर देंगे तो हमारे कितना आएगा 27, तो हमारा देखो सम एस एन कितने 13 टर्म का सम कितना आएगा 273, ठीक है तो इसी के साथ हमारा सेकंड खत्म होता है, तो अब हम करेंगे इसकी थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, तो देखो अब हम करेंगे इसका थर्ड और फोर्थ, देखो थर्ड में क्या दिया गया, सबसे पहले हम इसका थर्ड फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना, 12th टर्म के बने डिफरेंस के बने, मतलब हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है और 12th टर्म का सम फाइंड करना है, देखो 12th टर्म का सम फाइंड करना है, उसी तरीके से ए 12 हमारे पास ए 12 मतलब लास्ट टर्म ये तरीके से लास्ट टर्म, तो मतलब एन की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, देखो हमारे पास फाइंड किया करना है ए की वैल्यू फाइंड करना है और सम दिया गया है 12 टर्म्स का, तो आप बताओ हमें अब इसमें जरूरत क्या, सबसे पहले हमको ए की वैल्यू फाइंड करना है, अब ए की बताओ आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो, तो देखो ए की तो हम सिंपली फाइंड कर देंगे, सम 12 टर्म का सम फाइंड करना है, सम के लिए हमको क्या देखो एस एन इज इक्वल टू में ए एन, इन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, हमारे पास एन 12 टर्म का सम फाइंड है, डिफरेंस हमारे पास हैगा और हमें क्या फाइंड करना है एस एन 12 फाइंड करना, दो चीज ए की वैल्यू फाइंड करना, तो देखो ए की वैल्यू किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास ए 12 है इसकी मदद से कर सकते हैं, कैसे हम लिख सकते हैं ए 12 इज इक्वल टू में क्या होता है ए 37, तो हम ए 12 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इन टू में डी इज इक्वल टू में 37 और एन की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 12, इस तरीके से लिख सकते हैं ये क्या हमारा 12 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 12, उसी तरीके से हमारा डिफरेंस डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा डिफरेंस हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस अब 12 में से मान करेंगे तो 11 × 3 इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे 37, ठीक है ए प्लस 33 इज इक्वल टू में 37, तो यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू में लिखेंगे 37 − 33, तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचा, हमारे ए की वैल्यू 4 आ गई, मतलब हमने ए टाइम फाइंड कर ली, अब उसके पास हमको सम फाइंड करना है 12 टर्म का, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन अपॉन 2 2a + n − 1 × d, ये सम का फॉर्मूला होता है, तो बस कितने टर्म का 12 टर्म का फाइंड करना है, तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे 12 में ये और यहाँ पर 2 × 4 + 12 − 1 × 3, डिफरेंस हमारा 3 दिया था, सिंपल ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे कहते हैं 6 8 + इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 11 × 3, अब यहाँ पे देखो 6 को एज इट इज लगा 6 8 + 33, ठीक है अब 33 बता 6 × अब इसको ऐड कर देंगे तो 8 9 10 11 यहाँ पे 1 41, कितना बचा हमारा 41 बचेगा, अब बस अब क्या करना है इसका इसके साथ इंटू करना आएगा, तो यहाँ पे करेंगे तो 6 और यहाँ पे करेंगे तो 24, सो हमारी सम ऑफ 12 टर्म का कितना आ रहा है 24 आ रहा है, कितना आ रहा है 246 आ रहा है, उसी के साथ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे A10 हुआ, क्या हुआ हमारा S10 हुआ, ठीक है S10 हुआ, अब देखो हमारे पास थर्ड टर्म, अब देखो हमारे पास सम कितने टर्म का फाइंड करना है 10 टर्म का, देखो हमारे पास सम कितने का माना है, सम हमारे पास गिवन है, सम हमारे पास कितने टर्म का 10 टर्म का सम गिवन है और हमारे A10 ही निकालना है, ठीक है अब देखो आपको किस तरीके से फाइंड करना है, सबसे पहले हमें ए की वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब ए की वैल्यू मिल जाए हमारा और डी की वैल्यू, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो सबसे पहले ए प्लस 2d इज इक्वल टू में क्या होगा हमारा 15, ये कैसे होगा ए 3d इज इक्वल टू में 15 था, उससे हमने क्या लिख दिया इसके जनरल फॉर्म में लिख दी, ठीक है जनरल फॉर्म में के बाद लिखनी है हमने क्या दी S10, S10 क्या होता है हमारा इसका फॉर्मूला क्या होगा n/2a + n − 1 × d, ठीक है इतना है समझ में, आप क्या लेंगे S10 को हमने एज इट इज लिखा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिख दिया हमने n की वैल्यू हमारी कितनी होगी 10/2, ए हमारा कितना हो जाएगा ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे फाइंड करना है हमको 2, n की वैल्यू 10 10 − 1 × d, ठीक है अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचा 5, अब देखो
एस टेन की वैल्यू हमारे पास कितनी 125 एज इक्वल टू में क्या था 5 2a + 9d। इस तरीके से हमारी वैल्यू बचेगी। अब ये देखो 5 को यहाँ डिवाइड में जाएगा तो इसको कैंसिल करेगा तो हम कैसे 5 2 10 5 5 25 तो ये 225 इज इक्वल टू में 2a + 9d। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हुई। अब इसको दो तरीके से किया, या तो एलिमिनेशन मेथड से कर दो या सब्सटीट्यूशन मेथड से कर दो। हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करेंगे तो a इज इक्वल टू में क्या लिख सकते 15 - 2d लिख सकते हैं। ये हमारी क्या है क्वेश्चन नंबर 1 बोल देते हैं आप देख लेंगे, और ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2। तो हम सीधे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ, देखो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज भी कर सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू ए की वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो लिखेंगे 25 = 2a + 9d। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो 2a 25 = 125 यहाँ पे 25 बचेगा, और ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 15 - 2d और यहाँ पे +9d। ये थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। ये यहाँ पे देखो सबसे पहले हम यहाँ पे इसलिए एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन मतलब कि हमारे दो वेरिएबल, देखो ये क्वेश्चन बन गई थी एक यहाँ पे ये क्वेश्चन बन गई थी। आप एलिमिनेशन का यूज कर लो या सब्सटीट्यूशन मेथड का, तो यहाँ पे कितना बचेगा 25 = में अब यहाँ पे 2 का इंटू करेंगे तो यहाँ पे 30 - अब इसका आंसर 4d और यहाँ पे क्या बनेगा +9, ठीक है। तो अब इसको देखो ये इस साइड आएगा तो हमारा कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो -= यहाँ पे इसको माइनस किया तो 5 है, अब इसको माइनस किया तो हमारा कितना बचा 5 = 5d। तो d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -1, d की वैल्यू -1। अब आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो तो हम फ्रॉम इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा a = 15 - 2d हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह देते हैं 15 - 2 - 1 तो -1 कैसा आएगा +2, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7 आ गई। देखो अब हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई 70। अब देखो हमें d की वैल्यू निकालनी थी और a की वैल्यू भी चाहिए थी हमारे लिए, ठीक है। d और a की निकाल आई, अब हम निकालते हैं a 10 की, फाइंड करते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है a + 9d, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 7 + 9 माइनस कर देंगे -1 तो यहाँ पर 17 - 9 तो हमारा ओवरऑल कितना बचेगा 8। तो हमारी 10th टर्म क्या हो जाएगी 8 और डिफरेंस कितना हो गया -1। तो अब हम करेंगे इसके बाद 5th और 6th। तो देखो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड का 5th करेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है डी गिवन है और हमारे पास क्या है एन की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और हमारे पास क्या गिवन है डिफरेंस क्या हमारे पास क्या है फाइंड क्या करना है हमें ए की वैल्यू करना है और ए 9 फाइंड करना है। तो देखो किस तरीके से फाइंड किया, देखो एक बात बताओ जब हमारे पास सम देखो एस एन इज इक्वल टू में क्या था ए प्लस ये फॉर्मूला आपने सुना होगा n/2a + l ये फॉर्मूला तो आपने सुना ही है। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला था जब हमारे पास लास्ट टर्म दी गई हो, ठीक है। हमको लास्ट टर्म फाइंड करना है an और लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 9 है और लास्ट टर्म का हमारे पास सम कितना है 73। इसका मतलब क्या बचा हमारे पास सिर्फ a बचा, तो हम क्या निकाल सकते हैं इससे a बचा a की वैल्यू। सबसे पहले देखो हमारे डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो देखो डिफरेंस को किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है, तो हम डिफरेंस को किस तरीके से फाइंड कर यहाँ पे ले सकते हैं हम एस एन एन एस एन इज इक्वल टू में क्या होता है n/2 या लिख सकते 2a + n - 1 इंटूमेंट डी, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस अब एन एस की वैल्यू कितनी दी है 75, एस एन कितना दिया हमारे पास 75 इज इक्वल टू में क्या है n/2 ए हमारे पास देखो एक हमको फाइंड करना है प्लस n - 1 एन की वैल्यू कितनी दी है एन की वैल्यू दी हमारे पास 9 9 - 1 डिफरेंस हमारे पास कितना दिया है 5 तो हम लिख इसका इसके साथ मल्टी देखो एन की वैल्यू यहाँ पे भी तो हमारे पास गिवन होगी 9 तो 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो कितना होगा 0 14 कितना 150 हो जाएगा 9 को एज इट इज लगा 2a + हमारा डी 5 था तो 2a यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल गई। देखो यहाँ से क्या निकाली हमने a की वैल्यू निकाली यहाँ पे करेंगे देखो हमारा क्या निकाला 80 कितना बचेगा देखो यहाँ पे 8 8 5 40 तो हमारा कितना बचा 40 अब ये देखो 9 है तो अब देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे 150 = 9 का इसके साथ किया तो हमारा आ गया 18 प्लस इसके साथ किया तो
ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 36। अब इस 36 को सर डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे 150 को ऐसे डालेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 150 माइनस 360 इज इक्वल टू में क्या हो गया 180, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस किया तो हमारा कितना बचेगा 012 और इज इक्वल टू में क्या बचेगा हमारा 18। 18 को डिवाइडेड में लिया तो हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, और ये माइनस का साइन होगा क्योंकि बड़ा ई यहाँ बड़ा था। अब देखो इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितने कैंसिल होता, तो हमने 3 से किए, 3 6 18, 3 7 21 अभी भी हो सकता है, 3 3 यहाँ पे 70 बचा, क्या 3 से अब और कैंसिल हो सकता है, नहीं, अब 2 से हो जाएगा, 2 3 6 और 2 35, तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आएगी, हमारी ए की होगी माइनस 35 अपॉन में 2, ये हमारी ए की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई माइनस 35 अपॉन में 3, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अपन निकालते हैं एन की वैल्यू। अब देखो इसको तो निकालना हमारा क्या होगा सिंपल हो जाएगा, किस तरीके से सिंपल हो जाएगा, देखो हमारा ए नाइन की वैल्यू निकालना है, ए नाइन की वैल्यू हम किसी तरीके से निकालते हैं, ए नाइन इज इक्वल टू में निकालता ए प्लस ए डी होती है हमारी ए की वैल्यू, ए प्लस ए डी, बस इसमें पुट कर देंगे हमारी ये जनरल फॉर्म में, ए की वैल्यू कितनी माइनस 35 अपॉन में 3 प्लस 8 की वैल्यू यहाँ पे 8, डिफरेंस हमारा कितना दिया 5 × 5, तो हमारा माइनस 48 कितना हो जाएगा 40 अपॉन में 3, तो यहाँ पे लिखिए माइनस 35, यहाँ पे कितना होगा माइनस 35 हो जाएगा, अब माइनस 35 प्लस 120, तो यहाँ पे 120 इसका देखो अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3। अब देखो इसमें से हमने माइनस किया, एक मिनट आपको नीचे कैमरे में दिखेगा नहीं, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, देखो अब इसमें से माइनस कर रहा है 35 को हमने, जैसे इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमने इसको माइनस में से माइनस करा तो हमारा कितना बचा 85 अपॉन में क्या रहा है 30, तो हमारी ये क्या टर्म हो जाएगी, हमारी ये हो जाएगी हमारी कौन सी टर्म हो जाएगी ए नाइन थीटा। उसी तरीके से अब हम करते हैं यहाँ पर फोर्थ वाला, ठीक है, कौन सा करेंगे, अब हम सिक्स्थ करेंगे, ठीक है सिक्स्थ करेंगे, तो देखो हमें क्या ए की वैल्यू चाहिए ए एन, तो देखो ए सबसे पहले तो हमें एन की वैल्यू पता होना चाहिए, एन की वैल्यू किससे निकाल सकते हैं एस एन से, एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा ये एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 × में डी, ये देखो सम ऑफ लास्ट टर्म का सम है हमारा पूरी सम टर्म का और ये हमारी लास्ट टर्म है, तो बस एन की वैल्यू मिल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं सम निकाल, एन की वैल्यू मिल जाए तो हम लास्ट टर्म निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एस एन, एस एन को एज इज लगा यहाँ पे एन की वैल्यू चाहिए तो एन अपॉन 2a, a हमारा यहाँ पे कितना आएगा ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस एन की वैल्यू एज इट इज माइनस 1 एज इट इज, डिफरेंस हो जाएगा हमारा 8। एस एन, एस एन हमारे पास कितना दिया 90, ठीक है यहाँ पे 90 कर दिया, अब 90 × 2 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 180 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा एन, और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 का एन के साथ इंटू किया तो 8n − 8, ठीक है ये इतना समझ आया बच्चों अच्छे से। अब देखो आगे, अब देखना इसको आगे, हमने 180 को एज इट इज लिखा इज इक्वल टू में क्या लगा 4n, पहले एक मिनट हमने n को अभी एज इट इज लिखा, यहाँ पे लिखेंगे 8n, इसको इसमें से माइनस किए तो हमारे पास कितना बचेगा 4, ठीक है 180 इज इक्वल टू में देखो अब n को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस n, अब इसमें से पहले कॉमन लेते हैं 16 कितनी टाइम आता 4, अब यहाँ पे 16 यहाँ पे 2 5 तो कितना बचेगा 45, हमने क्या 4 कॉमन लिया इसमें से 4, और यहाँ पे क्या बचेगा फिर हमारा बचेगा 2n, और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 1 माइनस n, अब दोनों साइड हम n का डिवाइड कर दिए, दोनों साइड डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया 4 कर दिया, तो यहाँ से ही हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 2n माइनस n इज इक्वल टू 45, अब इस 45 को भी हम इस साइड ले आएंगे तो हमारा ये माइनस का बन जाएगा, ये बन गई हमारी कैसी एक बन गई हमारी, देखो एक क्वेश्चन बन गई क्वाड एक क्वेश्चन बन गई, अब फैक्टराइजेशन मेथड करके तो इसकी वैल्यू हम फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज करेंगे तो इसकी हमारे पास कितनी वैल्यूस आएंगी 2 वैल्यूस आएंगी, तो ठीक है सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं किस तरीके से करते हैं, इंटू करने पे हमारा इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आना चाहिए 90, और प्लस माइनस करने पे हमारा कितना आना चाहिए वापस 90 ही आना चाहिए, तो हम यहाँ पे करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं, यहाँ से 2 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा 45, फिर अब किससे कर सकते हैं 3 से कर सकते हैं, हमने 3 से किया तो हमारे पास कितना 1 और 15 आ गया, फिर अगेन किससे कर सकते हैं हमने 3 से किया 5 और यहाँ पे 5 से गेन, तो देखो अब हमने इन दोनों का इंटू किया तो हमारे पास कितना आ रहा है 6, एक मिनट देखो हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म का इंटू किया तो हमारा कहता है 10 − 1 हमारे पास कितना 9, यदि हमने 10 × 9 किया तो 90, 10 − 9 किया तो हमारे पास 1, तो उसका मतलब हमारी 9 और 1 टर्म प्रॉपर रही सही फिक्स है इसके लिए, तो देखो अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, तो देखो अब यहाँ पर 2n को हमने ऐसे लिखा 2n² − 2, और यहाँ पे देखो n को ये हमने n की जगह क्या ले सकते हैं ये माइनस को एज इट इज और ये n इसके कोफिशिएंट को किया यहाँ पे करिए 10 − 1, तो अब वापस हमको क्या मिल जाएगा 9 और ये -45 = हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है इतना समझ में।
एन की वैल्यू फाइंड करा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लेकिन एन स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइ एन कितना टेन एन हो जाएगा यहाँ पे, टेन एन और माइनस नाइन प्लस नाइन एन, देखो माइनस नाइन एन करेंगे तो वापस हमको कितना मिलेगा, नाइन मिलेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 45 इज इक्वल टू में जीरो। देखो दो दो का पेयर बनाएंगे यहाँ से, एन कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा टू एन माइनस फाइव, ठीक है। उसी तरीके से हम इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हमारा कॉमन आएगा नाइन, कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते नाइन कॉमन, नाइन कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ से देखो टू कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ हमारा एन अकेला बचेगा, यहाँ से हमने नाइन कॉमन लिया तो यहाँ पे यहाँ से नाइन कॉमन आ जाएगा, एक मिनट यहाँ से क्या ले लेंगे हम नाइन कॉमन, तो यहाँ पे कहते हैं एन माइनस फाइव इज इक्वल टू में जीरो, तो एक वैल्यू आई एन प्लस, ये इस तरीके से एन प्लस नाइन, और दूसरी वैल्यू कितनी आ रही एन माइनस नाइन इज इक्वल टू में जीरो, तो हमारा आंसर हो गया एक वैल्यू आएगी माइनस नाइन की, एक हो जाएगी पॉजिटिव नाइन। कि आप क्या पता है जो हमारी एन होती है हमेशा कैसा होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है, नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकती, तो मतलब ये तो हो नहीं सकती, तो दूसरी क्या हो सकती है हमारी एन की वैल्यू फाइव, यहाँ से हमको एन की वैल्यू निकाली, अब एन की वैल्यू निकाली तो एस एन एन टर्म्स निकाल सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू में क्या ए प्लस एन माइनस वन इन टू में डी, ए एन मतलब हमें निकालना है फाइव टर्म्स, एन की वैल्यू फाइव, तो ए मतलब जो सम दिया है कितने टर्म्स का दिया, ओनली फाइव टर्म्स का सम दिया गया है, कितने टर्म का सम दिया गया हमारे पास, फाइव टर्म्स का सम दिया गया, ठीक है। अब ए ए ए हमारा कितना दिया टू प्लस एन एन, अब यहाँ पे एन कितना हुआ हमारा एन एन हमें यहाँ पे हो जाएगा हमारा एन कितना जाएगा अभी तो निकाला था हमने फाइव माइनस वन, डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है एट, ठीक है डिफरेंस हमारा एट आ रहा है, अब यहाँ पे एज रिजल्ट देखें टू प्लस, अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे फोर इंटू एट, और यहाँ पे 8 इंटू थ्री ट्वेंटी थर्टी टू, और इनको ऐड करेंगे तो कितना आया 34, इसका मतलब हमारी फिफ्थ टर्म कितनी आ रही 34 आ रही है, और 9 आ रही है, 5 आ रही है, n आ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन था, तो अब हम करेंगे उसका 7 और 8 क्वेश्चन। देखो अब हम करेंगे यहाँ पे सेवंथ वाला, सेवंथ में क्या करना है हमको, गिवन ए की वैल्यू गिवन है, एन टर्म मतलब लास्ट टर्म गिवन है, और लास्ट टर्मों का सभी टर्मों का सम हमारे पास कितना गिवन है 210 के माने, और हमें एन और डी की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो इस तरीके से किस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं, देखो हमारे पास हमको पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सेकंड फॉर्मूला क्या था एन अपॉन टू ए ए प्लस एल, देखो हमारे पास गिवन क्या, ये सम ऑफ लास्ट टर्म और इस पूरी टर्म का सम होता है ये, और ये हमारी लास्ट टर्म है, और ये हमारी नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, ए की वैल्यू गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। आप थोड़ा कॉमन सेंस किया करो, आपको देखो सिर्फ इस फॉर्मूले से क्या बचेगा, आपका टाइम बच जाएगा, तो हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा 200 कितना आएगा 210, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी एन अपॉन टू, और ए ए हमारा कितना हो जाएगा ए प्लस एल, अब इसी तरीके से हमारी लास्ट टर्म तो यही हो जाएगी ना, कितना हो जाएगी 62 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लगे 210 इज इक्वल टू एन अपॉन टू, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 70, अब इसको यहाँ से हमने ऐड किया तो हमारा यहाँ पे कितना बचा 35, एन की वैल्यू हमारे पास 35 आ गई, अब यहाँ पे 35 अपन डिवाइडेड में ले जाएंगे तो हमारे पास किस पर 35 डिवाइडेड में जाएगा तो एन की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। टू से यहाँ से कैंसिल किया था, अब यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, ये कैसे कैंसिल हो जाएगा, हमने 5 से कैंसिल किया, 5 7 जा पहले 7 से करेंगे, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 30, फिर इसको 5 से किया 5 6 जा 30, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 30, इसी तरीके से हमने n की वैल्यू हमारी 30 आई, अब तो हम डिफरेंस इजीली निकाल सकते हैं, क्यों हमको पता है n की मतलब जी हमारी कौन सी टर्म है, ये हमारी टर्म है सिक्स टर्म, कौन सी है सिक्स टर्म, और सम कितने दिया है सिक्स टर्म का सम दिया है, ठीक है कितना सम आया, अब हमारे पास a 6 इज इक्वल टू हमारा कितना दिया 32, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है a प्लस 5 डी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 32, ए ए हमारा कितना हो जाएगा 8, अब डिफरेंस हमने जस्ट अभी निकाला कितना निकाला गा? हमारा 6 इज इक्वल टू में हमारा क्या निकालेंगे, एक मिनट हमारे पास डिफरेंस तो हमको फाइंड करा, डिफरेंस थोड़ी निकाला हमने अभी n की वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, तो n की वैल्यू निकाली थी ये, ठीक है, और यहाँ पे ये कितना आएगा 32 को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है 5 डी इज इक्वल टू में क्या 62 माइनस 8, मैंने डी को एज इट इज लिखा, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास कितना बचेगा, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 54 और ये 5d, ये हमारी d की वैल्यू हो जाएगी, इसी तरीके से हमारी a और d की वैल्यू आ गई। तो अब हम करते हैं इसका 8th वाला, ठीक है 8th में हमारे पास n की टर्म गिवन है, सम टर्म गिवन है, n और d की वैल्यू फाइंड करना है, तो बताओ n की वैल्यू क्या है, Sn का फॉर्मूला n अपॉन 2 a प्लस एल, क्या इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, हमारे पास ये वाली टर्म गिवन है और ये टर्म गिवन है,
और हमारे पास डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस से हम एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना गिवन है देखो हमारे पास डिफरेंस, डिफरेंस गिवन, तो सबसे पहले हम डिफरेंस से एक ही वैल्यू निकालते हैं, ए एन इज इक्वल टू में कह दिया हमारा 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल टू में 4, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर लिया लास्ट टर्म का, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर डी की वैल्यू पुट करते हैं, एन माइनस 1 और डी में हमने यहाँ पर डी की जगह लिख देंगे 2 इज इक्वल टू में 4, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू में 4, तो यहाँ पे क्या ए प्लस 2n इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, तो ये क्या जाएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा हमारा टोटल 6। अब देखो इतना आया, आप क्या करेंगे ए की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 6 माइनस 2n हो जाएगी। अब यहाँ पे लिख देंगे एस एन, अब देखो सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू में क्या आएगा एन अपॉन 2, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 2a प्लस एन माइनस 1 में 2 में डी, ठीक है। इतना सम में है, अब देखो सम कितना दिया 14 दिया हमारे पास, ठीक है। अब n हमारा n की वैल्यू कितनी रहेगी, एज इट इज रहेगी अपॉन 2 a, a हमारा देखो a की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ से, तो लेकिन 6n माइनस 2 प्लस n, n नंबर ऑफ टर्म्स हमारे अगेन n माइनस 1, और डिफरेंस हमारे पास कितना दिया है 2 दिया गया है। अब देखना इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे यहीं पे सॉल्व करेंगे इसके साथ। अब यहाँ पर लेकिन 14n को एज इट इज लिखा, ठीक है, n अपॉन 2 को भी हमने एज इट इज लिखा, ठीक है, n अपॉन 2 को भी हमने एज इट इज लिखा। अब देखना आगे क्या आपको कैमरा में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप देखो इसको ब्रैकेट खोलेंगे, सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो यहाँ पर कितना 12 माइनस 4n, ठीक है। अब इसको करेंगे प्लस n माइनस 5, देखो अभी देखो यहाँ पे अब n का इसके साथ, तो यहाँ पर कितना 2n माइनस 2, देखो इतना समझ आया, 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए पूरी क्वेश्चन के साथ, और इसका इसके साथ करिए। अब इसको और आगे सिंपलीफाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इसको एज इट इज लगा 14 और इज इक्वल टू में n अपॉन 2 को एज इट इज लगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखो अब यहाँ पे देखना n अपॉन 2 को तो हमने एज इट इज लगा, ये और ये माइनस का और ये, पहले तो आप ये 12 देखो, 12 में से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे कितना बचेगा पॉजिटिव का 10 बचा, पॉजिटिव 10 बचा। अब इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे कहते नेगेटिव का 2n बचा, और इसमें से हम 2 कॉमा ले लेंगे दोनों में से, जाकि हमारा नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा उससे भी, ये 2 कॉमा ले लिया तो यहाँ पे बचा 5 माइनस 2n, 5 माइनस n बचेगा 5 माइनस n, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 14। अब इसका n के साथ इंटू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस n स्क्वायर। देखो आप क्या करते हैं, सम के साइन चेंज कर देते हैं, देखो हमारा ये इस तरीके से, ये इस तरीके से आ रहा है प्लस 5n इज इक्वल टू 14, ये हमने इसको इस तरीके से लिख दी। अब यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं सबके, n स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 5n और ये हो जाएगा हमारा 14, पॉजिटिव 14 हो जाएगा, सबके साइन चेंज कर दिए। अब इसको इस साइड जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप क्या करते हैं इसके फैक्टर्स निकालेंगे, तो देखो देखो इसका इंटू करेंगे तो 1 इंटू 14 को देखो इंटू करने पे हमारा 14 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे हमारा कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसके फैक्टर निकालेंगे, तो हम सबसे पहले 2 से करेंगे फिर 7 से करेंगे, तो देखो 7 इंटू 2 कर रहा है तो हमारे लिए कितना मिला 14, 7 माइनस 2 कर रहा है तो हमारे लिए कितना मिला 5, तो यहाँ पर एन स्क्वायर, ये माइनस साइन कॉमन लेंगे और ये एन की वैल्यू भी हमारी कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 5, 7 माइनस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस अंदर 7n माइनस माइनस कैसा होगा प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 14 इज इक्वल टू में हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों हमारे कैसे हैं सेम, तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 7, n माइनस 7 यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 7 इज इक्वल टू यहाँ पे 0, तो n की वैल्यू एक बार कितनी आ रही है हमारी 2 और एक बार दूसरी बार हमारी कितनी आ रही प्लस 7, ये इस तरीके से आ रही, तो देखो ए की वैल्यू हमारी जाएगी यहाँ पे माइनस होगा माइनस 7, ये ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, ये साइड जाएगा माइनस 2 और दूसरी हो जाएगी हमारी पॉजिटिव 7, नेगेटिव हमारा इंटीजर नहीं हो सकता, पॉजिटिव हमारा इंटीजर होगा, ठीक है। क्या ये आपको दिख रहा है बोर्ड में, हाँ देखो ये हमारी कितनी आ रही है यहाँ, ये हमारी 7 आ रही है, कितनी आ रही है हमारी 7 आ रही है, ये 7 आ रही है और ये माइनस 2, माइनस 2 हो नहीं सकती 7 हो सकती है, ये हमारी होगी नहीं ये हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास n की वैल्यू निकाल आई, अब हमारे लिए a की वैल्यू निकालना, सो बस देखो अब हमें a की वैल्यू निकालना है, तो a की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पे 6 माइनस 2 इंटू 7, 7 की वैल्यू पुट कर देंगे 6 माइनस 14, तो हमारे लिए कितना मिल जाएगा यहाँ पे 8 मिल जाएगा, a की वैल्यू हमारी कितनी आएगी माइनस 8, माइनस 8 हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 8। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10।
तो देखो अब हम करेंगे इसके बाद नाइन्थ, थर्ड का नाइन्थ करेंगे। हमारे पास कौन सी फर्स्ट टर्म के वन है और नाइन्थ टर्म के वन है और सम के वन है और डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो डिफरेंस को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, हमारा सम का फॉर्मूला आप बता देंगे क्या होता है। देखो एक तरीका एस मतलब एस एन, सम का फॉर्मूला को एस एन इज इक्वल टू में क्या था, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू में डी, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो सम एस एन क्या जाएगा, 100 कितना आएगा, 192 इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 8, 8 अपॉन में क्या आएगा 2 ए, ए को एज इट इज 3 प्लस एन, एन हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 माइनस 1 इन टू में डी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 4, तो देखेंगे 92 इज इक्वल टू में 4, इसका इंटू करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 6 प्लस 9d 8d 7d सॉरी कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 8d 4 को साइड लाएंगे, 4 को साइड लाएंगे तो क्या 94 अपॉन में 4 इज इक्वल टू में क्या बचेगा हमारा 6 प्लस 7d, ये बचेगा हमारा। अब ये 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 जा 16, यहाँ पे 4 जा 16 8 48, और ये 6 को इधर लाएंगे माइनस 6 इज इक्वल टू में क्या बचेगा 7, यहाँ से कितना बचेगा इससे 42 बचा, और 42 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू में, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी बच जाएगी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 हो गई। हमसे डी की वैल्यू पूछा था, अब इसमें पूछा हमें ए की वैल्यू बताना, टोटल नंबर दे रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9, और हमारे पास एस एस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है ये, और लास्ट टर्म हमारी कितनी है ये, और फाइंड क्या करना है हमारे ए की वैल्यू फाइंड करना, सिंपल फॉर्मूला है, कितना ईजी होगा एस एन इज इक्वल टू में क्या होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन, बस सम का फॉर्मूला में तो रखना, ये तो कितना ईजी था। तो देखो एस एन एस एन सम हमारे पास कितनी है 144, हमें यहाँ पे रखेंगे 144 एन, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी थी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 9, तो 9 टू ए, ए हमारे पास फाइंड करना है ए प्लस एल, एल हमारे पास कितना आ जाएगा 8 28, ठीक है। अब देखना हमें अब 2 का इधर इंटू कर देंगे, ठीक है, और ये 9 का यहाँ डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू में क्या होगा ए प्लस 28 बचा, ठीक है। अब देखो क्या ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, सबसे पहले 449 3 से कैंसिल कर देते हैं हम, 33 या 9 तो 3 देखना 3 से करना, 3 4 12 यहाँ बचा 3 8 24, ये अगेन कैंसिल हो जाएगा 3 से हो जाएगा 3 बन जा 3, अब यहाँ पर 3 6 18 तो हमारा 3 16 इंटू 2 इज इक्वल टू में क्या हमारा ए प्लस 28, ठीक है। अब इन दोनों का इंटू करें तो कितना हो जाएगा 32 इज इक्वल टू में ए प्लस 28, अब इसको साइड लाएंगे 32 माइनस 28 इज इक्वल टू, तो हमारी ए की वैल्यू यहाँ से देखो, यहाँ से हमारी ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर 34 ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो हमारी 4 हो जाएगी, कितना 32 में 28 के साथ माइनस किया। देखो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होते हैं। तो अब हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट, क्योंकि इसके बाद हमने और क्वेश्चन किए तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिए। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।